हेलो दोस्तों, इंफ्रा मटेरियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं हामिद सेतु ब्रिज पे, जहां से हम आपको अपडेट देने वाले हैं गंगा ब्रिज पे अभी तक कार्य कहां तक पहुंचा है और क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ये इरेक्शन इस हफ्ते में कम्प्लीट होने वाला है और इस हफ्ते का ये दूसरा वीडियो है हमारा हामिद सेतु के ब्रिज के ऊपर। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करिए और हमारे वीडियो को देखिए, क्योंकि हामिद सेतु ब्रिज से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको इंफ्रा मटेरियल चैनल पे ही मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप देखिए, यहाँ पे जो है हमारा इरेक्शन हो चुका है, हम एकदम लास्ट स्पैन पे हैं और जैसा कि हमने बताया शुरुआत में ही कि आधे घंटे के अंदर जो है ये इरेक्शन हमारा कम्प्लीट हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट हमारा 4 साल पहले अलॉट हुआ था और बहुत ही कठिनाइयों के साथ इस प्रोजेक्ट को किया गया है, क्योंकि नीचे से गंगा रिवर का बहाव है और बहुत ही हाइट पे यह काम करना पड़ रहा है। और आप देखिए, इरेक्शन जो है आज कंप्लीट होगा। इसके बाद कुछ हमारे बैलेंस वर्क रहेंगे, जैसे रोड पार्ट का वर्क और डेक स्लैब का वर्क और रेल का संचालन का वर्क। तो जल्द से जल्द ही रेल का भी संचालन इस प्रोजेक्ट पर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये देखिए लास्ट स्पैन का इरेक्शन हमारा हो चुका है और लोगों में इतनी जोश और उमंग से आप देखें यहाँ पे जो है एकदम आदमी जो है सेफ्टी के साथ काम कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे भी सेलिब्रेशन का भी टाइम हो गया है। तो आप देख पा रहे होंगे ये प्रोजेक्ट ऐसा है जिसके मिलने पे यहाँ पे गाजीपुर की जो जनता है उनकी ढेर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर गंगा ब्रिज के ऊपर रेल लाइन का संचालन नहीं है। इस वजह से ये प्रोजेक्ट हमारा और भी मायने रखता है। यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी हैं इस प्रोजेक्ट के कम्प्लीशन होने पे, क्योंकि इरेक्शन का काम जैसे ही कंप्लीट होगा और सारी एक्टिविटीज़ का हमारे पास काम करने को मौका मिलेगा। और इसके बाद जल्द से जल्द यहाँ पे रेल के संचालन के लिए भी प्रेशर दिया जा रहा है। तो जैसे ही हमारा यहाँ पर ये इरेक्शन कम्प्लीट हो रहा है तो हम रेल संचालन की तरफ अपना फोकस करेंगे और जल्द से जल्द रेल लाइन का संचालन इस प्रोजेक्ट से किया जाएगा। उसके बाद रोड का भी संचालन भी जल्द से जल्द 2022 में करना है। तो आप देखिए लोगों के यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो है ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जहाँ पे रिस्क के साथ और गाजीपुर के इतिहास को बदल देता है। इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी बहुत सारी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं लोगों के साथ। आप देखिए यहाँ पे लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं पड़ाकों के साथ। तो जैसा कि आप लोग दोस्तों स्टार्टिंग में देख पाएंगे, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी सही नहीं थी और वीडियो हमारा थोड़ा डिफरेंट बन गया है, क्योंकि यहाँ पे रातों रात पहुँचना और जल्द से जल्द इसका न्यूज़ निकालना वाले मुश्किल हो रहा था। इसलिए हमने कहीं ना कहीं से यहाँ अरेंज किया इस न्यूज़ को और जल्द से जल्द आपको इस वीडियो को हमारे इंफ्रा मटेरियल चैनल पे डाला, जिससे आप लोग अपडेट रहें कि कब इलेक्शन कंप्लीट हो रहा है और कब जो है इस प्रोजेक्ट का संचालन आगे क्या होगा, क्या चीज़ों का संचालन होगा। ये सारी चीज़ों की अपडेट आपको इंफ्रा मटेरियल यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, फेसबुक पेज पर शेयर करिए, इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करिए। इंफ्रा मटेरियल चैनल को ढेर सारे लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और लोगों को बताइए कि इंफ्रा मटेरियल चैनल पे आपका लेटेस्ट अपडेट गंगा ब्रिज प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट इंफ्रा मटेरियल चैनल पे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।